हे हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो गाइस आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं सीएस रैंक मैच। तो गाइस आज की वीडियो गाइस काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। और हाँ गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर लेना, चैनल पर नए गाइस सब्सक्राइब कर लेना। तो चले गाइस बिना किसी तरीके वीडियो को यहां पर देखते हैं। तो गाइस मेरे को काफ़ी दिनों से कभी कभी कमेंट आ जाते हैं गाइस कि भाई तू क्लैश स्क्वाड खेलता हूँ, सबको बताता है कि क्लैश स्क्वाड रैंक है। गाइस भाई मैं बता रहा हूँ, फिर मैं खेलता हूँ क्लैश स्क्वाड, क्योंकि मैं क्लैश स्क्वाड इसलिए खेलता हूँ, जैसे कि अगर आप मेरी लाइफ पे आते हो तो आपको पता ही होगा मैं पीसी में सीएस रैंक किस करता हूँ। तो गाइस अगर मैं पीसी में भी सीएस रैंक खेलूँगा और फ़ोन में भी सीएस रैंक खेलूँगा तो फिर मेरी आईडी भी थोड़ी गाइस गरीना वाले थोड़ी गड़बड़ कर देंगे, वो कुछ भी कर देंगे गरीबी आई डी में, क्योंकि गाइस मैं पीसी में ना ओनली सीएस खेलता हूँ, गाइस रैंक नहीं खेलता, आपने देखा होगा, और फ़ोन में ओनली रैंक खेलता हूँ गाइस, मैं सीएस रैंक नहीं खेलता। इसलिए गाइस मैं क्लैश स्क्वाड में आपको वीडियो बनाने के लिए मैं क्लैश स्क्वाड खेलता हूँ गाइस, क्योंकि पीसी से अभी मेरे को आदत नहीं है, क्योंकि गाइस मेरे को भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, फ़ोन से मेरे को प्रैक्टिस मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, इसलिए गाइस मैं फ़ोन से सीएस रैंक नहीं खेलता। ब्रो सीएस खेलता हूँ आपको मैं बोल रहा हूँ, सीएस रैंक मुझे आदत हो चुकी है, आप प्लीज़ गाइस यही समझ लिया करो कि भाई मैं सीएस रैंक खेल रहा हूँ ब्रो, ठीक है। गाइस मैं स्किल ही तो बताता हूँ ना आपको, बेस्ट स्किल्स और आपको कैसे खेलना है, कैसे खेलना है गाइस, ठीक है। या मेरा गेम प्ले देखा करो गाइस, आप कमेंट मत करा करो प्लीज़ गाइस, मैंने आपको बता दिया कि मैं क्लैश स्क्वाड खेलता हूँ, क्लैश स्क्वाड रैंक नहीं खेलता, आपको बता भी दिया किस लिए नहीं खेलता, अगर आपको सही से समझ नहीं आया एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो गाइज़ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात को छोड़ो, अब अपना निकलते हैं, हम सेकंड राउंड के साथ निकल चुके थे, बट गाइज़ हम एक राउंड यहाँ पर हार चुके थे, और गाइज़ यहाँ पर मेरे टीममेट्स भी काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं, बट तो गाइज़ यहाँ पर मैंने रश तो कर दिया, एक ब्लू होल एंड एक डेजर्ट ईगल लेके। तो ये क्या कर रहा था यहाँ बैठ के भाई, जल्दी से यहाँ पर बोन पैर एक जला ली मैंने अपनी, पहले हेल्थ फुल करते हैं, मेरा डिमिट्री भी चार्ज हो चुका है और थीवा भी साथ में लगा के आया हूँ, मेरा कोई टीममेट नॉक हो गया तो उसको डिमिट्री थीवा डिमिट्री है प्लस थीवा भी, उससे रिवाइव भी हो जाएगा एक सेकंड में और उसको ऑटोमेटिकली एचपी मिल जाएगी, ठीक है। तो बस देखते हुए बंदा किधर की साइड गया भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ से भाग गया है, बस देखते सामने साइड तो नहीं, अरे देखिए कौन है, अच्छा अभी यहाँ पर ये निकलता किस लिए नहीं भाई, ये बंदा इतना बड़ा कैंपर भाई, इसके खुले में एकदम था मैं, और गए देखो सामने साइड से एक और बंदा आ चुका है, बट मेरा एक टीममेट गाइस हो चुका है यहाँ पर एलिमिनेट, काफ़ी गरीना के काफ़ी ग्लिच ग्लिच कर रहे भाई, देखो उस सामने गाइज मेरे को लग ही रहा था कि नोक ना करते गाइज, देखा इसका भी नेट इशू था और मेरे टीममेट का भी नेट इशू था गाइज, उसको एलिमिनेट कर दिया गरीना वालों ने जोन में ही। तो गाइज कोई दिक्कत नहीं, आप बता देते आपको हम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जो गाइज हमारी फर्स्ट पैसेज के लिए गाइज वे हमारी सोनिया करेक्टर गाइज, सोनिया करेक्टर का तो आपको पता ही होगा गाइज, सोनिया करेक्टर यह करता गाइज, जैसे कि आपके सामने कोई बंदा आ गया और उस पर भी सोनिया है, आपने उसको काफ़ी डेमेज दे दिया, आपने उसको सोनिया लगा दिया, पहले जैसे आप उसको सोनिया लगाओगे और वे आपको भी डेमेज देगा जरूर, आपका भी सोनिया लगेगा। तो गाइस आप फायरिंग मत करो, अपना मूवमेंट स्पीड दिखाओ, उसका पहले सोनिया लगेगा ना गाइस, उसका 3 सेकंड पहले खत्म होएगा और आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो गाइस जैसे ही उसका 3 सेकंड खत्म होएगा वे हो जाएगा नोक, आप मूवमेंट स्पीड उसको थोड़ा दिखा दो और गाइस आप कर लो अपना कम लोग नोक होगा बचने के बाद सोनिया से, ठीक है। सोनिया का फायदा अगर आपको उस पर सोनिया नहीं, अगर आपने मेरे सोनिया लगा दिया आप डैमेज देके उसको मार सकते हो, आपको फिर सोनी का फायदा। और जो तुम्हारी आपको किसी बंदे ने 150 का AW मार दिया और उस पर मोको है गाइज, तो पता क्या होगा गाइज, आप जो सब करेक्टर आपको बचा लेगा, ठीक है, आपको स्किल ब्लॉक होने से भी जो सब करेक्टर बचाएगा। और गाइज क्या कहते हैं, जैसे कि उस बंदे ने आपको एक ओम मार दी ना गाइज, जैसे ही वो बंदा आपको ओम मारेगा गाइज आपके ऊपर मोको का निशान नहीं आएगा, एक गोली लगेगी तो आपके ऊपर मोको का निशान नहीं आएगा, सेटिंग सेकंड गोली मारेगा ना गाइज आपके मोको का निशान 100% आएगा, ठीक है। गाइज आपको ना जो सब करेक्टर स्किल ब्लॉक होने से बचाता है, उसमें स्किल ब्लॉक लाए तो गाइज जो सब करेक्टर स्किल ब्लॉक होने से बचाएगा, आपकी स्किल ब्लॉक नहीं होने देगा, ठीक है। वो जो थर्ड पैसेज के लिए गाइस भी हमारे थीवा क्या करता है गाइस, थीवा यह करता है जैसे कि आपका कोई टीममेट नॉक हो गया आप जल्दी से जाके उस पर रिवाइव पे जैसे ही क्लिक करोगे 1 सेकंड के अंदर उसको हो जाएगी रिवाइव, जैसे उसको रिवाइव होगी उसको मिलेगी ऑटोमेटिकली एकदम से 80 HP
एक टेस्ट मिलती है आपका टीममेट बंदों को, एक बंदे को नोक भी कर सकता है, आपकी थोड़ी हेल्प भी कर सकता है बंदों को नोक करने में। यह होता है गाइस सेवा का फायदा। और गाइस आप इसके साथ डिमेट्री भी यूज करना, जो फोर टैक्टिक्स के लिए गाइस हमारी डिमेट्री गाइस ये भी यूज जरूर करना गाइस। डिमेट्री बहुत भयंकर टैक्टर गाइस आपके पास, अगर थीवा आपने डिमेट्री यूज कर दिया ना अपने टीममेट पे, तो गाइस आपका डिमेट्री से आपको एक सेकंड में रिवाइव हो जाएगा आपके टीममेट को। और गाइस क्या कहते हैं, अगर आप यूज नहीं कर पाते अपने टीममेट्स को लगवा लिए तो ये स्किल्स, ठीक है, तो गाइस आपका डिमेट्री ना एक सेकंड में रिवाइव हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली डिमेट्री के अंदर आपकी हेल्थ भी फुल हो जाएगी, ठीक है। ये होता है गाइस हमारी स्किल्स का फायदा, आपको मैंने ये बताई थी। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट